आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। जनपद के विभिन्न धान क्रय केंद्रों का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया निरीक्षण। धान खरीद की स्थिति से दिखे संतुष्ट, कहा सहकारी क्रय केंद्रों पर ही धान बेचे किसान। प्रत्येक बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसएसपी ने चिलाताल थाने पर सुनी जनता की फरियाद। आए 10 मामलों में से 2 मामलों का मुकदमा दर्ज करने तथा 8 मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। महाराष्ट्र के पालघर जनपद में हुई युवती की हत्या में वांछित अभियुक्त राजकुमार सिंह उर्फ विशाल सिंह को एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने किया गिरफ्तार, कैंट थाने को किया सुपुर्द। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों की बैठक, भूमि संबंधी विषय पर हुई चर्चा। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत राज्य महिला आयोग की सदस्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जन सुनवाई, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। राजघाट पुलिस ने 200 लीटर अवैध कच्ची शराब, 1 किलो 150 ग्राम यूरिया व 900 ग्राम नौसादर के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मनरेगा के कार्यों की समीक्षा बैठक, अधिक से अधिक लोगों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने के साथ वृक्षारोपण पर दिया जोर। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, गर्भवती महिलाओं के साथ नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर की गई चर्चा। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसपी सिटी ने रामगढ़ताल थाने पर लगाया पुलिस चौपाल, कहा अधिकतर मामले आए भूमि विवाद, साइबर क्राइम व मारपीट के, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई के जयंती से लेकर 19 दिसंबर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनाएगा स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, विभिन्न कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन, प्रांत संयोजक ने दी जानकारी। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 111 केंद्रों पर कुल 12,014 लोगों को किया गया वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,542 और सेकेंड डोज लेने वालों में 9,472 लोग रहे शामिल, सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर बुधवार को गुरुद्वारा जटाशंकर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, लोगों ने जगह जगह किया स्वागत, की गई पुष्प वर्षा। और कचहरी क्लब टाउन हॉल के मैदान में आयोजित 15 दिवसीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का महापौर ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन, कहा खादी है हमारी स्वतंत्रता की रीढ़।